हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो गाइस, कल हमारे लिए बहुत ही स्पेशल डे है। कल है हम लोगों की वेडिंग एनिवर्सरी। तो इस स्पेशल डे पे मुझे कुछ स्पेशल तो लगना चाहिए ना, थोड़ा बहुत। एंजल हो गई है तो टाइम नहीं मिलता है अपने लिए, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो सोच रही हूँ पार्लर जाऊँ। तो पहले मैंने दिन में ही सोचा था कि चली जाती हूँ, लेकिन फिर एंजल का प्रॉब्लम आ जाता है कि एंजल को किसके पास छोड़ूंगी। तो अभी नितिन के पापा आने वाले हैं ऑफिस से, मेरे हस्बैंड, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ जाऊंगी, फिर एंजल को वो संभाल लेते हैं। फिर उसके बाद मैं जाऊंगी केक शॉप पे, तो केक डिसाइड करेंगे। मेरा फेवरेट है पाइनएप्पल केक और बटर स्कॉच, और इनका फेवरेट है मेरे हस्बैंड का चॉकलेट केक। तो हम लोगों में झगड़ा हो जाता है कई बार कि वो कहते हैं कि चॉकलेट केक लेना है, मैं बोलती हूँ बटर स्कॉच या फिर पाइनएप्पल केक लेना है। तो फिर बीच में कूद पड़ता है नित्यम, वो फिर कहता है ये वाला लेना है, वो वाला लेना है। फिर फाइनली हम लोग बहुत झगड़ा करने के बाद डिसाइड करते हैं कि चलो ये वाला केक ले लेते हैं। फ्यूज थी बहुत ज़्यादा कि मैं क्या दूँ। तो फिर फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चलो मैं कोई टी शर्ट या शर्ट दे देती हूँ गिफ्ट। तो फिर हो जाता है साइज़ का प्रॉब्लम, तो फिर वो सरप्राइज नहीं रह गया। मैंने उनको कहा कि मेरे साथ चलना, मैंने आपके लिए टी शर्ट या शर्ट लेनी है, कोई अपनी पसंद से आप ले लीजिएगा। बंदा लेता है कोई गिफ्ट सामने वाले को पसंद आए। वैसे तो मेरा हर चीज़ खरीदा हुआ उनको अच्छा लगता है, और उनकी भी जो चीज़ें खरीदी होती हैं मुझे हमेशा पसंद आई हैं, पर मेन है कि साइज़ की प्रॉब्लम हो जाती है। फिर वापस जाओ चेंज करवाओ। तो फिर हम लोग उसके बाद वहीं जाएंगे, तो चलें फिर शॉपिंग करने। तो गाइस, मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से आ गए हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। लेकिन मार्केट जाने से पहले हम लोग हमारे फैमिली फ्रेंड्स के पास जाने वाले हैं। आज ईद है और हम लोग उनको ईद मुबारक करने जा रहे हैं। हम लोग चलते हैं, ठीक है? फिर हम लेट और उसके बाद बहुत सारा शॉपिंग और खर्चा भी होने वाला है। तो कल एनिवर्सरी है ना, एंजेलो, कल एनिवर्सरी है, तो फिर उसके लिए भाई इनको कुछ मेरे लिए भी गिफ्ट लेना है और केक लेना है। नित्यम, हेलो, ईद मुबारक, ईद मुबारक, दोनों मुबारक। हेलो, हाँ दसवीं, ये लो, ईद मुबारक अदब। तालिब, तालिब क्या है? एंजल खा रही है, खा रहे हो आप एंजल? गाइस, हम लोग ईद की मुबारकबाद देकर आ गए हैं और हमने दही भल्ले खाए वहाँ पे और साथ में सेवैयाँ खाई, तो बहुत ही यम्मी थी, बहुत ही मज़ा आया खा के। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। तो गाइस, अभी मैं पार्लर पहुँच गई हूँ, तो चलें थोड़ा ब्यूटी टचअप हो जाए। से हाय नित्यम। हाय। तो अभी हम लोग देखते हैं कब आती है शिवम, कब आएगी मम्मा, मम्मा कब आएगी, कब आएगी एंजल, एंजल मम्मा कब आएगी, हाँ कब आएगी बताओ, कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी। कैसी बनी मेरी? तो अभी मैं पार्लर से आ गई हूँ, मैंने आईब्रोज ही बनवाई क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो मार्केट बंद हो जाएगा। तो अभी हम लोग चलते हैं केक शॉप पे,
केक की बुकिंग करेंगे और उसके बाद चलेंगे शोरूम। तो फाइनली ये आ गई है आईब्रो करवा के। वैसे तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं पर फिर भी आप आज क्यों डांस कर रहे हो? कल करना ना डांस मम्मी पापा की शादी में। हम जा रहे हैं केक शॉप के अंदर। कौन सी वाली ले जाना है? अभी हम लोग दो केक शॉप से वापस आए हैं। हमें कोई भी केक वहाँ पे पसंद नहीं आया तो अभी हम लोग इस थर्ड शॉप पे आए हैं। देखते हैं यहाँ पे हमें कोई केक पसंद आता है या नहीं। हम लोग अभी थर्ड शॉप पे भी आए केक की, पर हमें यहाँ भी कोई केक पसंद नहीं आया। एक्चुअली अभी हम लोगों ने घर शिफ्ट किया है तो फिर जो हमारा पुराना केक शॉप है जहाँ से हम हमेशा केक लेते हैं वो ईस्ट में है और अभी हम लोग वेस्ट में शिफ्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमने 3 शॉप्स देखी, 3 शॉप्स में से हमें कहीं भी कोई भी केक पसंद नहीं आया। तो और अभी हम लोग कल केक लेंगे, यही डिसाइड हुआ है हमारे बीच में। तो अभी हम लोग जाते हैं।